जो भी युवा इस समय बेरोजगार हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। वो अच्छी खबर ये है क्योंकि देखिए देश के प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, आत्मनिर्भर भारत हम सबको मिलकर बनाना होगा। इस समय मैं जम्मू हट में हूँ और जिसका इनोग्रेशन हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया है और यहाँ पर आज DIC द्वारा जो है वो एक अवेयरनेस कैंप चलाया गया है। अब उस अवेयरनेस कैंप में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंट यानी कि अलग अलग स्कीम्स हैं उन बेरोजगारों के लिए जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रही है क्या किया जाए, तो आज यही जानकारी यहाँ पर DIC द्वारा दी जा रही है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज़ द्वारा दी जा रही है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ भी पहुँचने वाली हैं, जनरल मैनेजर शुभ मेहता भी यहाँ पर हैं और जो युवा यहाँ पर आए हैं अब उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनको कौन सी स्कीम सबसे अच्छी लगी। दोस्तों मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा डायरेक्टर कॉमर्स मैडम अनु मल्होत्रा जी का और जनरल मैनेजर DIC जम्मू मैडम शुभा मेहता जी का जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया और आज पहली बार ऐसा कोई रोजगार मैम एक मिनट कैंडल पकड़ लीजिए प्लीज। पंख भी है, उड़ान भी है, हौसलों में हमारा 27 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक चलेगा इसमें बेनिफिशियरीज को। क्या नाम है आपका? सर विक्रम शर्मा। विक्रम आज आप जम्मू हार्ट में आए हैं, क्या कारण है यहाँ पर आए हैं? देखिए जहाँ पे जो हमारा PMEGP डिपार्टमेंट जो है इसने जहाँ एक मतलब लोन मेला ही लगा लो मतलब मेला एक आयोजित किया हुआ है जहाँ पर कि जो हमारे बेरोजगार युवा हैं जो हम जैसे मतलब जो भी हैं हमारे JNK के तो वह जहाँ आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी को अगर मतलब कोई रोजगार शुरू करना है, अपना कोई काम शुरू करना है, जैसे कोई दुकान वगैरह है जहाँ कोई इंडस्ट्री लगानी है तो वो जहाँ आके मतलब जानकारी प्राप्त कर सकता है और अपना फॉर्म भी फिल कर सकता है, जहाँ मतलब ऑनलाइन फॉर्म भी फिल हो रहे हैं साथ साथ में ही तो मतलब जानकारी भी ले सकता है, फॉर्म भी फिल कर सकता है और अपना काम जो भी आप करना चाहते हो जैसे आप वेल्डिंग का करना चाहते हो, शटरिंग का करना चाहते हो, कोई हलवाई का काम करना चाहता है, कोई मतलब दुकान मतलब कोई भी मतलब प्रकार आपका काम करना चाहते हो उसकी आप वर्क रिपोर्ट बना के मतलब ले आओ तो उसके हिसाब से आपका परफॉर्मा बनाएंगे मतलब रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसके बाद फॉर्म आपका फिल होगा तो उसके बाद ये बैंक में डालेंगे तो बैंक वाले आपकी जगह का निरीक्षण करके आपको लोन प्राप्त करेंगे। स्कीम आपने अच्छे से समझ ली? बिल्कुल बिल्कुल अच्छी समझ। अच्छी लगी आपको स्कीम? स्कीम तो अच्छी है, इसमें सब्सिडी भी है मतलब रूरल एरिया के हिसाब से जाएगा तो 25 से 35 तक सब्सिडी है और कैटेगरी के साथ में है कोई तो नहीं तो 25 तो है ही है मतलब तो ऐसे जनरल में जो आ जाएंगे तो उसमें मतलब 15 से 20 तक सब्सिडी भी दे रहे हैं। अच्छा बहुत सारे लोग लोन लेने से डरते हैं, आप डर रहे हो? नहीं डरने वाली कोई बात नहीं है, देखो अगर किसी को ज़रूरत है तो अगर गवर्नमेंट आगे आप सब दे रही है तो इसमें जो सब्सिडी आएगी अगर आप सोचते हो कि मेरा इंटरेस्ट पड़ जाएगा ये हो जाएगा वो जाएगा तो वो बात अलग है क्योंकि आप अगर किस्त टाइम से चुकाओगे तो बैंक आपसे कुछ नहीं लेगा कि मतलब सब्सिडी भी उसी हिसाब से आएगी तो आप समझो जितने पैसे ले रहे हो इतने ही पैसे वापस देने ये जो स्कीम है ना उसी के हिसाब से है, बाकी आप इंटरेस्ट सोचोगे तो इतना इंटरेस्ट भी ज़्यादा नहीं। युवाओं को क्या कहना चाहोगे? युवाओं को चाहिए कि जो बेरोजगार हैं आगे पीछे दर बदर भटकने से ये है कि अपना आप काम शुरू कर सकते हो क्योंकि नौकरी तो रही नहीं, अब सब युवा पढ़ चुके हैं इतने पढ़ लिख चुके हैं सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिल ही नहीं सकती है क्योंकि पहले जो टाइम था उस समय पढ़ाई कम थी लोगों में तो नौकरी मिल जाती थी, अब हर एक युवा मतलब पढ़ा लिखा है ग्रेजुएशन के नीचे तो है ही नहीं कोई तो मतलब बेरोजगार हो गया, जो ग्रेजुएशन करके आएगा तो दिहाड़ी तो लगा नहीं सकता, कोई ना कोई अपना काम करने के ही सोचेगा, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने जी हम हमारे लिए अवसर प्राप्त किया है और हम इनका भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने जो मेला आयोजित किया है। बिल्कुल देखिए ये रोजगार मेला यहाँ पर लगाया है, आप यहाँ पर आ सकते हैं जम्मू हट में और बहुत सारी ढेर सारी स्कीम्स हैं
आप उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, उनका क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा गुप्ता है। पूजा जी, आज यहाँ पर आई हैं आप रोजगार मेले में, कैसा लग रहा है और क्या क्या स्कीम्स ली हैं आपने? यहाँ पे रोजगार मेले में लोन मिल रहा है, वो भी सब्सिडी पे लोन मिल रहा है, और यहाँ पे हम अपना काम खुद खोल सकते हैं। कोई भी काम लेडीज जो खोलना चाहती है, जो घर में बैठी हुई लेडीज है, वो अपना काम यहाँ पे खुद खोल सकती है। अच्छा, बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी, अब सरकारी नौकरी हर एक को नहीं मिल सकती, लेकिन अगर हम खुद का दिमाग इस्तेमाल करें और सरकार की मदद हो तो अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे हमें लोन मिल रहा है, हम अपनी शॉप खोल सकते हैं, हम अपना काम खुद कर सकते हैं यहाँ पे आके। और यहाँ पे हमें निटिंग की ट्रेनिंग भी मिलती है, जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ जहाँ पे ट्रेनिंग ले रही हैं, स्टिचिंग, निटिंग और एम्ब्रॉयडरी की ट्रेनिंग भी यहाँ पे मिल रही है हमें DIC के अंडर। अच्छा, महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी है? हाँ, वहाँ पे सब्सिडी मिल रही है ना, डिस्काउंट मिल रहा है, लोन पे डिस्काउंट मिल रहा है हम सब लेडीज को। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोन लेने से कतराते हैं, डरते हैं कि पता नहीं बाद में क्या हो जाएगा, उस पर कुछ कहना चाहेंगे कि लोन लेने से कोई घबराना नहीं चाहिए? नहीं नहीं, लोन लेने से कोई घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खासकर यहाँ पे तो लोन बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सब्सिडी मिल रही है और इंटरेस्ट हमें कोई भी नहीं देना है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, जीरो इंटरेस्ट पे है। तो उन महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी जो महिलाएं सोच तो रही हैं कि अपना कुछ खोलें, लेकिन कैसे खोलें समझ नहीं आ रहा? वो यहाँ पे आए, रोजगार मेला लगा हुआ है, जहाँ पे लोन ले और अपना रोजगार जो खुद खोल सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट के बिना लोन मिल रहा है और सब्सिडी अलग से मिल रही है। ये DIC जम्मू ने ये प्रोग्राम अरेंज किया है। DIC जम्मू को हेड हमारी GM करती हैं शुभा मेहता, तो उन्होंने ये एक रोज़गार मेला रखा है, जिसमें लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और लोन्स उन इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं और अपना कुछ काम खोलें, या कोई छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट खोलें या सर्विस यूनिट खोलें। तो अभी तक सुबह से इन्होंने 10 लोगों के फॉर्म्स भर के सबमिट कर दिए बैंक्स को, जिसको ये फॉलो करेंगे। और ये कितने डेज का है? ये फोर डेज प्रोग्राम है, यहाँ पे किसी को भी आने की इजाज़त है, कोई भी आके अपने फॉर्म्स यहाँ पे हेल्प ले सकता है ऑनलाइन फॉर्म भरने में। उनको कहीं साइबर कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई DPRs बाहर से बनवाने की ज़रूरत नहीं है, DPRs भी यहाँ पे ही बनेंगी, हमारे DIC के फंक्शनल मैनेजर्स, IPO सब हेल्प करेंगे DPRs बनाने में, और खुद ही बना के पूरा हैंड होल्ड करके लोगों को और ये जो प्रोग्राम है इसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम में जितने भी फॉर्म्स भरे जाएंगे तो वो फिर बैंक्स में भी फॉलो करना हमारा ही काम होता है, हमारे ही डिपार्टमेंट का काम होता है। इसके लिए हाईएस्ट लेवल कमेटी भी एक होती है, जिसमें ये एक पार्ट होता है कि बैंक्स ने कितने लोगों को अमाउंट डिसबर्स किया है, UT BLC लेवल कमेटी होती है। तो मैंने भी अभी 2 बेनिफिशरीज के फॉर्म्स को अपलोड किया है, एक 10 लाख के कोई काम खोलना चाहते हैं, कार वॉश का और रिपेयरिंग का कोई काम खोलना चाहते हैं, एक सैलून का काम खोलना चाहते हैं 3 लाख की लागत से। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल स्कीम है, जिसमें लोगों को इवन जो टोटल अमाउंट ऑफ लोन होता है उसके ऊपर भी सब्सिडी मिलती है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जम्मू के यूथ जिनको ये लोन फैसिलिटी अवेल करनी है और इस प्रोग्राम में PMEG प्रोग्राम में अपने आप को रोज़गार अगर वो दिलवाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो वो फॉरवर्ड आएँ। और जम्मू हार्ट इसीलिए हमने खोला है कि यहाँ पे एक तो एंटरप्रेन्योर्स जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पे आके अपने सामान को डिस्प्ले करें, और दूसरा हम ये भी कोशिश कर रहे हैं इसके माध्यम से कि जो लोग हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चलें। बहुत सारे लोग जो है हार्ट के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने बताए हैं, एक तो पार्किंग का इशू उनको आ रहा है लगातार, और एक लाइटिंग का इशू आ रहा है जो अभी भी जन शताब्दी के लिए नहीं लगा। जब कोई नई चीज़ बनती है उसमें हिकअप्स उसको स्मूदन करने के लिए तो आते हैं। जेनसेट के लिए ऑलरेडी काम चल रहा है, उसको टेंडर करना है जेनसेट के लिए, वो अपलोड हो गया हुआ है टेंडर, वो भी जल्दी हो जाएगा। और दूसरा जो पार्किंग के लिए हम कोशिश करेंगे आसपास, अभी आपको खुद ही पता है ये मेन जगह है, तो अभी ऑलरेडी इसमें पार्किंग है 40 कार्स की, अंडरग्राउंड पार्किंग है,
बट और हम कैसे करवा सकते हैं, और इसका क्योंकि ये नई चीज़ है, इसमें सभी सिस्टम्स बन रहे हैं अभी, तो धीरे धीरे विद इन अ मंथ और टू ये सब क्लैरिटीज आ जाएंगी। वो बंद इसलिए है क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं, जब तक हम ये पार्किंग का किसी स्लॉट किसी को देंगे नहीं उसको मैनेज करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, तो हम एकदम अभी अलाउ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और खासकर महिलाएं खुद काम करना तो चाहती हैं लेकिन डरती है कि लोन लेंगे तो बाद में इसका इंटरेस्ट इतना देना पड़ेगा, कुछ स्पेशल डिस्काउंट है महिलाओं को? बिल्कुल है, जितना उन्होंने लोन लिया है उसके ऊपर 35% उनको पेमेंट पहले ही कम करनी है, ठीक है। अगर 30 लाख या 10 लाख लोन लिया है तो 35% अमाउंट कम पे करना है, और फिर रूरल में, और उसी अमाउंट के ऊपर जो कम अमाउंट है इंटरेस्ट भी उसी पे करना है, इससे अच्छा और बढ़िया क्या हो सकता है। इतनी पूरी एफर्ट्स लगाई हैं कि वो रोज़गार कुछ ना कुछ क्रिएट करें स्टेट्स के माध्यम से, हमारे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के माध्यम से, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट अवेल कर पाएँ। क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य, आज रोज़गार मेला लगाया है यहाँ पर DIC की तरफ से, तो आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ ये, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा ये है क्या? सर ये अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए है। अच्छा, इसमें हमें स्किल्स के ऊपर हमारे लोन दिया जा रहा है कि हम क्या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं या सर्विस सेक्टर में अगर हम कुछ करते हैं तो उसके लिए अनएम्प्लॉयड यूथ को लोन मिल रहा है, लोन सेक्शन कर रहे हैं ये। अच्छा, काफ़ी अच्छा है। तो आपने स्कीम सुनी? हाँ मैंने सुनी, मैं पूरा समझ कर आया हूँ अच्छे से। वो स्कीम आपको अच्छी लगी इसमें? हाँ मेरे को 2-3 लगे। अच्छा, मेरे को सर्विस सेक्टर में 2-3 स्कीम्स लगे, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़े अच्छे अच्छे स्कीम्स हैं इसमें अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, मतलब काफ़ी अच्छा है ये। फॉर्म फिल कर दिया आपने? सर हाँ फॉर्म फिल कर दिया मैंने, फाइल अभी सबमिट करवाई है। अच्छा, फाइल सबमिट करवा के मैं आया हूँ। अच्छा मेरे को ये बात बताओ कि बहुत सारे लोग जो हैं, खासकर अगर मैं युवाओं की बात करूँ, तो वो चाहते हैं कि खुद का कोई बिजनेस खड़ा किया जाए, बिजनेस एम्पायर शुरू किया जाए, खड़ा किया जाए, लेकिन फिर दिमाग में सोचते हैं कि ये लोन लेंगे तो बाद में ना जाने फिर बैंक के वो चक्कर काटने पड़ेंगे, लोन एक इसमें दिक्कत आ जाती है, तो उसके लिए आपको DIC ने क्या बताया? सर इन्होंने लोन का, मेरे को नहीं लगता कि सर चक्कर लगाने पड़ते हैं या ऐसा कुछ है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा हुआ है, आसानी से लोन सेंक्शन हो रहा है। मेरा फ्रेंड एक्चुअली करवा चुका है, मैं उसका ही उससे पूछ कर आया था। अच्छा, उसका 25 लाख का वो सेंक्शन हुआ है विद सब्सिडी है ये। मेरे को तो एक अच्छा स्टेप लगता है गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब यूथ के लिए जो है ये अच्छा स्टेप है। बाकी सर अच्छा क्या कहोगे? देखिए क्योंकि आपने अभी फॉर्म भरा है, आप स्कीम समझिए हैं, खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बहुत सारे आपके ही जैसे युवा जो है वो भी अपना काम करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज दें? मैसेज सर यही दूंगा कि हार्ड वर्क होता है और ऊपर से अगर गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है हमारा तो हमें करना चाहिए, एक स्टेप लेकर क्या ही जाता है, एक स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं अगर हम अपने लिए तो क्या जा रहा है उसमें हमारा। बाकी सर थोड़ा हार्ड वर्क भी होता है आपका, लक तो अपनी जगह रहा, बट जब तक हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो बनेगा कुछ नहीं ना। बिल्कुल, हार्ड वर्क तो बहुत ज़रूरी रहा। बिल्कुल, देखिए हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, आपके सपने हैं, उन सपनों को आप साकार करना चाहते हैं, तो जम्मू हर्ट में आइए, DIC द्वारा, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स द्वारा जो है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मेला लगाया गया है, यानी कि रोज़गार मेला लगाया है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, यानी कि अगर मैं उदाहरण के तौर पर कहूँ, अगर आप खुद का गैराज खोलना चाहते हैं या फिर खुद की कोई शॉप खोलना चाहते हैं या फिर खुद का कोई सैलून खोलना चाहते हैं, कुछ भी आपको लगता है कोई भी बिजनेस आप करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स द्वारा आज जम्मू हर्ट में ये 4 दिन का मेला है, आप यहाँ पर आ सकते हैं, इनसे जान सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, कितना लोन आपको मिलेगा, उसमें सब्सिडी आपको भी दी जा रही है, वो सब्सिडी कितनी दी जाएगी, तमाम जानकारी यहाँ पर आपको दी जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि जो युवा ये सोच रहा है कि मैं खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, रोज़गार पाना नहीं बल्कि रोज़गार देना चाहता हूँ दूसरों को, तो उनके लिए बहुत ही एक अच्छा और सुनहरा मौका है। आप लोग देखते रहिए अली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर जो